हमीरपुर में स्वच्छता अभियान को लेकर नगर परिषद पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, क्योंकि दुसरका चौक पर सालों से नालियों की सफाई को लेकर दुकानदारों में नाराजगी बरकरार है। हमीरपुर शहर के धर्मशाला शिमला राजमार्ग पर दुसरका चौक सालों से सफाई व्यवस्था चरमराने पर दुकानदारों में गहरा रोष पनप रहा है। हालांकि कई बार नगर परिषद को सफाई व्यवस्था ठीक करने के साथ साथ नालियों की सफाई के लिए शिकायत की जाती है, लेकिन कोई हल नहीं हुआ है। सड़का चौक पर नालियों का गंदा पानी जमा हो रहने से मक्खी मच्छरों से राहगीरों और दुकानदार खासे परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि कई बार पार्षदों को भी इस बारे में बताया गया है, लेकिन वोट लेने के समय ही वायदे होते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि दुसरका चौक पर नालियों की हालत इतनी दयनीय है कि सफाई कभी कभार ही होती है, जिससे गंदगी का आलम बना हुआ है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद कुछ नहीं कर रही है और कई बार तो स्वयं ही दुकानदार सफाई करते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी समस्या का हल नहीं हुआ और नालियों का पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिससे दुकानदार तो परेशान रहते ही हैं बल्कि यात्री भी दुविधा झेलते हैं। ये क्या बताएंगे, क्या समस्या है? ये बहुत ज्यादा समस्या है। नगर परिषद कुछ नहीं कर रही है और सारे भारत में सफाई में चला हुआ है। हमने बहुत बार कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। एक बार आते हैं उसके बाद मिल जाते नहीं। इसके बाद हमें आते हैं उसके बाद बहुत तंगी है और इसकी निकासी कोई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है। इसकी आगे निकासी कोई नहीं है, जो बनी हुई है इसकी आगे निकासी कोई नहीं है। हमारी समस्या है, काम जो पड़ा है ना ये उठाना चाहिए, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। बिजली की सरकार आई तभी भी थोड़ा बहुत नाली साफ हो जाती थी, अब तो बहुत ही गंद पड़ा है। इससे यात्री जो आते हैं वो भी मतलब कपड़े जो है उनके खराब हो जाते हैं। कभी शिकायत की आप लोगों ने? तीन चार बड़ी अखबार में आया था इसके बाद। अपने पार्षद से शिकायत की आपने? बहुत बड़ी कर रखी है। काफी समय पहले जो है नाली बन चुकी है, परंतु आगे से ब्लॉक हुई है, जिससे पूरा ऊपर से आने वाला जो सीवरेज का पानी भी है वो भी रुक जाता है। बरसात में आज के सर्दियों में यहाँ पे मच्छर जो पैदा हो रहे हैं, तो आगे जो बरसात का मौसम या गर्मी का मौसम आएगा उसमें तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, जिससे सभी लोगों को, दुकानदारों को, हम लोग यहीं पे हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को बहुत फेस होती है। आने वाले लोग जो बाहर से आते हैं वो भी देखते हैं यह समस्या जो है बुरा हाल है। इससे तो इसका निपटारा जो है जल्दी से जल्दी किया जाए। पहले भी कई बार जो है यहाँ के जो पार्षद से उनसे जो है दुकानदारों ने इस समस्या के बारे में रखा था, परंतु कोई हल नहीं निकला। आगे आप क्या होता है इसके बारे में आप देख सकते हैं। कोई भी नहीं करता है, वोट टाइम आया हम तक कोई नहीं है। इतनी तंग हुई है, बड़ा भारी मच्छर है। शिकायत वगैरह कितनी दिनों कभी गलाया जी? गलाया तो उन्हें ना गलाना है, कड़े प्रधान बना है पंच इन्होंने गलाया इन करा है, वोट टाइम लाने का कम है।